आपके करियर का सवाल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और 5000 की जगह हम 10000 पोस्ट कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। नमस्कार साथियों, मैं महावीर गुजर, छात्र संघ महासचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय। कल 30 नवंबर 2019 को राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्कूल व्याख्याता भर्ती को लेकर होने वाले धरने प्रदर्शन को मैं पूर्ण समर्थन देता हूं। साथ ही आप सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि इस धरने प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर के इसको सफल बनाएं। साथ ही हमारी कुछ मांगे हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहली मांग हमारी है कि 5000 पदों को बढ़ा करके 10000 किया जाए। साथ ही बाहरी राज्य से आने वाले विद्यार्थियों को 5% कोटा अलग से दिया जाए। साथ ही जो 1.5 लाख विद्यार्थी नए जोड़े गए हैं उनको तैयारी करने का पूर्ण समय दिया जाए और साथ ही परीक्षा तिथि को जून जुलाई में करवाने की कृपा करें। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये सरकार युवाओं की सरकार है और हमारी पूरी मांगे जायज है, तो अपनी जो भी मांग है वो सरकार जरूर सुनेगी। और सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी इस धरने प्रदर्शन में शामिल होकर के इसको सफल। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हां, करवा दो। दोस्तों नमस्कार, मैं ईरा बोस, मेरे साथ समीर यादव है, सुरेश खिलेरी जी है और युवराज भाई है हमारे साथ में। दोस्तों आज इस वीडियो बना रहे हम काफी व्याख्याता भर्ती 2018 के लिए काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, काफी कॉल्स आ रहे हैं, काफी मैसेज आ रहे हैं हमारे पास में। दोस्तों हमने सरकार से बात मनवाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पायलट साहब एवं ऋषि और अन्य जितने भी कैबिनेट मंत्री है उनके पास में जाकर के पहले हमारी मांग मनवाने के लिए हमने अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आया है। 23 तारीख को हमने एक आंदोलन करा था, उसका भी कोई औचित्य नहीं रहा, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो आज सब की सर्वसम्मति से हमारे साथ में भाई राम सिंह सामुता भी इस आंदोलन में शामिल होंगे एवं इंडस्ट्री प्रेसिडेंट पूजा वर्मा भी बैठेगी, महावीर गुजर जो महासचिव है इंडस्ट्री। तो 30 तारीख को 10 बजे इंडस्ट्री के मुख्य द्वार पे हमने धरना देंगे। वो धरना सिर्फ शांतिप्रिय होगा हमारा, जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और हम शांति तरीके से बैठेंगे और कोई किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। दोस्तों जैसे कि पिछले 15 दिनों से लगातार ये आंदोलन जारी था और लगातार रिलीज